हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सबको मैं याद होंगी। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। इसी बीच मैंने वीडियो कोच भी नहीं डाला है। शूटिंग तो दो तीन बार शूट किया है पर डाला नहीं है, तो छोड़ो। बहुत दिन मतलब बहुत दिन हो गया आई थिंक। हाँ बहुत दिन हो गया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं घर पे करने के लिए, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं घर पे क्या होता है, सुबह सुबह मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो सुबह सुबह चले जाते हैं। मुझे सुबह मॉर्निंग उठकर जल्दी जल्दी उनके लिए कुकिंग वगैरह करना पड़ता है, और उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। इसीलिए नहीं, बहुत सारी चीज़ हुआ है इसीलिए नहीं किया है। तो फिर सोचा आज संडे है तो आज ये भी घर पे है तो शायद कुछ स्पेशल बनेगा, तो मैंने सोचा आज वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। कल भी घर पे थे सैटरडे को, तो कल मैंने लिट्टी चोखा बनाया था। सोचा था शूट करने के लिए पर शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ही लेजी हूँ इसीलिए। और अभी वो पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह नहाकर, मैं भी नहा चुकी हूँ पर मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, वो कर रहे हैं। आज संडे मेरा छुट्टी है, वो करेंगे। मंडे टू सैटरडे तो मैं करती हूँ ना, तो संडे को वो कर लेते हैं। तो फिर अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है हमारा, और संडे को वो हमेशा मुझे सुबह सुबह चाय देते हैं, पर अभी 10 बज गया है पर अभी तक मुझे चाय नहीं भी दिए हैं। बना दिए हैं, बोल रहे हैं खुद लेकर आओ। मैं नहीं ले लाऊंगी, वही देंगे चाय। जल्दी करो ना बेबी। ओ एक नया वाला पैकेट लाया ना, अंदर है देखो। तो फिर बने रहे मेरे साथ और देखिए मैं दिन भर क्या करती हूँ। आज भैया भाभी भी आएंगे, हम लोगों ने उनको लंच पे बुलाया है। बहुत दिन से कुछ नॉनवेज नहीं हुआ है तो सोचे हैं आज नॉनवेज कुछ बनाते हैं, कुछ फिश वगैरह लाते हैं। चिकन वगैरह तो हम लोग नहीं खाते इतना, मतलब मेरे हस्बैंड और भैया दोनों खाते हैं पर मैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ इतना। और भाभी तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती है। फिश लाएंगे तो वो शायद थोड़ा सा खा लेगी, तो इसीलिए हमने सोचा कि फ़िश ला लें। और मैंने ट्राइपॉड पे मेरे कैमरे को फिट नहीं किया है, मैं हाथ पे पकड़ी हूँ इसीलिए ऐसा दिख रहा है। देखा मैंने कितनी लेजी हूँ। एक सेकेंड बात करती हूँ। और मेरी बेबी अभी तक सो रही है, अभी उठ गई है। आओ इधर आओ। अभी उठी हो। और हम लोग इतना खाना भी नहीं बना रहे क्योंकि हम तीनों ही डाइट पे है। नहीं बेबी हाँ चलो जाओ, अभी ब्रश कर लो जल्दी से। ओके हाय बोलो सबको, हाय बोलो। चलो जाओ आप ब्रश कर लो। बेबी आपका फोन आ रहा है, क्यों फोन लग रहा है पापा का? तो फिर देखिए हम क्या करते हैं। आइसक्रीम खा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद बात किया, मतलब मैंने 11 बजे किया था ना, अभी 12 बज गया है, बहुत टाइम, मतलब एक घंटा हो गया है। और अभी मैंने चावल चढ़ा दिया है, इसी बीच बहुत लोग हमारे घर पे आकर चले गए क्योंकि हमने ग्रिल नहीं बनाया था। तो हमने फोर्थ फ्लोर पे घर लिया है ना, तो ग्रिल नहीं बनाया था क्योंकि मुझे ग्रिल नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी कि ऐसे ही रिव्यू अच्छा आता है तो टॉप फ्लोर है ना इसीलिए, पर क्या करें, इतना मॉन्की है, इतना डिस्टर्ब करते हैं ना अभी, तो इसीलिए हम लोगों को ग्रिल बनाना ही पड़ा फाइनली। मतलब पहले से बना देते पर वो लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो पाया, तो अभी मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया है इसीलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। पर इस ओके तो हाँ, तो ग्रिल नहीं बना था तो आज ग्रिल के लिए मेजरमेंट लेने आए थे वो लोग, और बहुत सारे काम था। वैसे वॉशिंग मशीन का पाइप हमने एक जगह पर ऐसे ठीक नहीं किया था, ऐसे ही लगा देते थे, पर अब जब नया वॉशिंग मशीन लाना है तो पाइप तो ठीक करना पड़ेगा, तो इसीलिए प्लम्बर को बुलाया था। देखिए यहाँ पर बेसिन दिख रहा है ना, बेसिन इसका काम भी हमारा नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग टॉप टेबल टॉप लाए हैं ना, तो वो लोग नहीं कर पाए थे। तो आज वो प्लम्बर आया था, वो हमने उससे बुलाया था। और देखिए कल जाकर मैंने ये वाला ट्री और एक यहाँ पर एक ट्री और बहुत सारे ट्री लेकर आई हूँ, सब बाहर पड़ा है।
सबको अभी गमले में डालकर लाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लांटर तो मैंने नहीं लाई थी वहां से, क्योंकि मुझे वो सेरामिक वाला प्लांटर चाहिए था जो कि मैंने मिंत्रा से कल ऑर्डर किया था, तो टोटल 5,000 समथिंग का आया, पर मिंत्रा डिलीवरी के लिए जून 30 दिखा रहा है। जून 30 मतलब तो बहुत देर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, इनको मेरे हस्बैंड को बोलकर अभी वो प्लास्टिक का प्लांटर जो यहाँ पर लगाया ना, प्लास्टिक का वो वाला प्लांटर ले आया, तो सोचा कि अभी इनसे लगा देती हूँ जब तक वो प्लांटर नहीं आता है, तो ये लगा दिया। और हस्बैंड अभी घर पे नहीं है क्योंकि काम चलेगा, तो कुछ कुछ सामान चाहिए, पाइप वगैरह तो वो लेने के लिए गए हैं। आज हमारा नॉन वेज का प्लानिंग था पर वो बंद हो गया। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हम दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रहे हैं। ये कितना यम्मी आइसक्रीम है। हाँ यम्मी। चलो इधर आओ बेटो। तो फिर अभी तो चावल चढ़ा दिया है, सोचती हूँ आज चावल डाल और केबेज आलू का फ्राई या फिर करी वगैरह कुछ बना दूंगी, ऐसे ही सिंपल बना दूंगी। अभी अगर काम खत्म हो गया 12:31 o'clock तो पता नहीं काम खत्म होते होते कब 2 या 3 बजे, देखो उस कैसे खा रही है, उसकी मुंह में लगा है। क्या ऐसे खा रही है, देख तेरे मुंह में कितना सारा लगा है। मैंने अभी भी ट्राईपॉड पे फिक्स नहीं किया है क्योंकि घर पे इतना कहाँ है, मुझे नहीं लगता मैंने ट्राईपॉड, ये बहुत ठंडा है, मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं मैं आइसक्रीम कभी खाती ही नहीं हूँ। मुझे इतनी सीवियर कोल्ड रहता है ना, इतना मतलब अगर मानो कि अभी थोड़ा सा सर्दी का सीजन आ गया ना, मैं खाली पैर में 1-10 मिनट भी खड़ी हो गई ना नीचे, सर्दी शुरू हो जाता है मुझे, ऐसा मतलब सर्दी ऐसा लगता है, तो इसी वजह से। हाँ मुझे थायराइड का बहुत प्रॉब्लम है, मैंने बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, बहुत दवाई ले लिया, बहुत सारी चीज़, वो जो मम्मा को तो कोई काम नहीं है, मेरी मम्मी को तो वो नुस्खा बताती रहती है, मैं करती रहती हूँ पर इसमें कोई फायदा नहीं होता है मेरा, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं इसे थायराइड तो रहेगा है क्योंकि बहुत सीवियर है तो रहेगा, तो क्या कर सकते हैं। मैं हर बार मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इस बार सोची मैं कि 12 मिनट में ख़त्म कर दूँ, 12-13 मिनट, देखते हैं होता है या नहीं, हमेशा 28-30 मिनट तक तो हो जाता है ना, इस बार सोचती हूँ कम से कम करूँ। और मैंने मिंत्रा से बहुत सारे, अभी सेल चल रहा था, बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह भी ऑर्डर किया है, पता नहीं वो कब तक आएगा। एक तो आज डिलीवरी दिखा रहा है पर किसी डिलीवरी पर्सन का नंबर नहीं दिया है, क्योंकि हमेशा नंबर दे देता है पर अभी तक नहीं दिया है। देखो कैसे खा रही है, धीरे धीरे खाओ बच्चा। तो नहीं, वहां पे प्लेट के पास बैठो, तो देखते हैं कब तक वो डिलीवरी देता है, मुझे नहीं लगता कि आज दे पाएगा। मैंने नायका से भी बहुत कुछ ऑर्डर किया था पर हाँ आ गया है, वो एक मॉइस्चराइजर, क्लिनिक का मॉइस्चराइजर एक ऑर्डर किया था, और एक प्लम का फेस वॉश वगैरह ऑर्डर किया था, और कुछ 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 चीजें ऑर्डर किया था, लिपस्टिक वगैरह भी यूज किया था, ऑर्डर किया था, तो आप बोलती हूँ देखते हैं कब तक आता है। और हाँ सुबह बोल रही थी ना, भैया भाभी को बुलाया है, भैया नहीं आ रहा है, बस किस्मत संडे के दिन भी भैया को ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि उसका कुछ प्रोजेक्ट लाइव होना है, तो वो ऑफिस चला गया, तो भाभी और बुढ़िया आ जाएंगे, मैंने बोला है आने के लिए। और क्या, आज का मौसम इतना अच्छा है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी है, इतना अच्छा है, तो आज के दिन ही काम है, बहुत सारे काम है घर पे। घर का डस्टिंग वगैरह भी थोड़ा करना है, काम वाली नहीं है तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। अच्छा सुबह सुबह उठकर नहा लिया, बना नहा नहीं पाते क्योंकि इसी हालत में डस्टिंग तो कर सकती हूँ, बाद में फिर से और एक बार नहा लूंगी, पर बिना नहाए मैं 1-2 बजे तक नहीं रह सकती थी। और इतने दिनों तक ब्लॉग नहीं बना क्योंकि बीच में सुशांत सिंह उनका डेथ हो गया, वो सुनकर बहुत बुरा लगा, क्या बनाऊं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी मतलब ऐसे फोर्स में बना रही हूँ या कुछ, मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए बना रही हूँ क्योंकि अगर कुछ ना करूँ तो पागल हो जाऊंगी, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ऐसे ही बैठना है, तो कुछ तो करते हैं, इसी हिसाब से मैंने किया है। और फिर हमारे घर के 100
मीटर की दूर में एक कोरोना पॉजिटिव निकला है, मतलब हमारे बिल्डिंग के, हमारे घर पे नहीं, हमारे बिल्डिंग के 100 मीटर की दूर से, मतलब बिल्डिंग से निकाला, वो 2 खेत छोड़कर एक घर है जिसका कोरोना पॉजिटिव, वो भी 4 लोग थे, 2 लोग भागे तो 2 लोग ही है कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो क्या इस हालत में ब्लॉग बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो, मूड भी नहीं था। फिर अभी तो हो गया है वो कोरोना निकाल कर, आई थिंक 9-10 दिन हो गया होगा, तो देखते हैं। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं कर दूँ वरना सब लोग बोर हो जाएंगे, तो अब देखते हैं आके क्या करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। देखो कौन आ गई है घर पे, टन टना, मरी मीशो आ गई है। मीशो हाय बोलो बच्चा, मीशो हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय। देखो कैसे स्माइल करी, हमारी गुड़िया की 2 टीथ आया था अभी, और 1 टीथ आ गई, अभी 4 टीथ आ गई। भाभी भी आ गई, भाभी हाय करो। देखो भाभी ने आज कितना अच्छा पिंक ड्रेस पहना है, मेरी सिस्टर ने भी पहना है, हमने भाभी ने भी पहना, तुम्हारा भाभी है वो। देखो इन लोगों की मस्ती चल रही है, और भैया तो नहीं आया है, वो ऑफिस चला गया है, और हम लोग बैठ कर टीवी देख रहे हैं। अभी मैंने राइस दाल बना दिया है, अभी करी बनाना है, मैं सोच रहा हूँ कोई बना देगा इसलिए बैठी हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और मैंने कुकर में दाल बनाया था ना, तो मैं सोच रही हूँ कुकर में कैबेज की करी बना दूंगी, तो अभी दाल को बाउल में निकाल देती हूँ। और आज मैंने कुकर में नहीं बर्तन में राइस बनाया है, हमारे यहाँ पर कुकर में कोई पसंद ही नहीं करता है, तो बर्तन में बनाया है। कुकर को धोकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और मैंने अभी ऑयल डाल दिया, और मैं ये जो हार्ट नेचर हार्ट कुछ ऑयल है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, मैं बताऊँगी कौन सा ऑयल है, बहुत अच्छा लाइट ऑयल है, बहुत अच्छा है। और मैंने यहाँ पर तड़का डाल दिया, तड़के में मैंने डाला है जैसे सब लोग डालते हैं जीरा, राई, उड़द की दाल और हींग थोड़ा सा, हमारे घर में सबको उड़द की दाल अच्छा लगता है इसीलिए मैंने डाल दिया। और अभी मैंने टमाटर, एक ही टमाटर लिया है बड़ा वाला, उसको भी बड़ा बड़ा पीस पे कट किया है, मैंने ऑनियन यूज़ नहीं करी, अगर आप चाहो तो ऑनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसे सिंपली बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने टमाटर को बड़ा बड़ा कट करके डाल दिया और इसको थोड़ा फ्राई कर दिया। अभी इसमें आलू को कट करके डाल दिया, आलू भी थोड़ा बड़ा ही कट किया है, और करी बहुत अच्छा सिंपल करी था, बहुत अच्छा था। और फिर मैंने इस पे पत्ता गोभी को भी कट करके डाल दिया, कैबेज को आप अपने हिसाब से जैसे चाहो कट कर सकते हो, कट करके डाल दिया। और मैं इसे बहुत तरीके से बनाती हूँ, मैं आपको बताऊँगी किसी दिन किसी और तरीका, अभी तो मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, आप इसको अपना फास्टिंग वगैरह पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर ऑनियन गार्लिक कुछ नहीं डाला है, बस टमाटर डाला है, पटाटो और कैबेज को डाल दिया, इसको अच्छे से थोड़ा पानी डालकर फ्राई कर दिया, बहुत सूखा था, कब से कट करके रखा है इसीलिए। फिर इस पर सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के मुताबिक, फिर हल्दी डाल दिया, फिर चिल्ली पाउडर डाल दिया, ये काश्मीर चिल्ली है थोड़ा डाल दिया, फिर धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला पाउडर। और अभी मैंने क्या किया, जीरा और ये सूखी लाल मिर्च है ना उसको मैंने फ्राई करके ग्राइंड करके रखा था पाउडर बनाकर, क्योंकि मैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर वगैरह बाहर से नहीं लेती हूँ, घर पे ही बना देती हूँ। फिर इसको हम अच्छे से मिला देंगे, ये अभी भी थोड़ा सा ड्राई है इसीलिए मैं इस पर क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिला दूँगी ताकि मसाला चारों ओर हो जाए। अभी मैं इसको बंद करके 2 सीटी आने तक पक मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, ये छोटा था, बड़ा था, अच्छा था, बुरा था, मुझे नहीं पता। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सच में पूरा बैंड बज गया है, क्योंकि घर का काम करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब घर झाड़ू पोछा की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी के कामों करने की वजह से ना घर पे इतना सीमेंट धूल इतना हो गया था। अभी देखिए मैंने घर को कैसे क्लीन कर दिया है, और हमारा ये बेसिन भी लग गया है, इसे थोड़ा यहाँ पर है मैं रखूँगी बाद में। तो अभी पूरा थक गई हूँ, तो मैं अकेली नहीं थकी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर कर रहे थे, मैंने पूरा घर का पोछा लगाया, उन्होंने झाड़ू लगाया,
और फिर मैंने यूटिलिटी साफ किया, ये दो बालकों ने साफ किए।